हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को ही आगे फॉरवर्ड करते हैं इसमें हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके थे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में उसी कंट्रीब्यूशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी बेसिकली फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया एरिस्टोटल को बोला गया एरिस्टोटल ने बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी थी इस इसको कंसिडर करते हुए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया एरिस्टोटल क्लासीफाइड फाइव फोर्टी एनिमल स्पीसीज एरिस्टोटल ने 540 सौ चालीस एनिमल स्पीसीज को क्लासीफाइड किया डाइसेक्टेड एटलीस्ट फिफ्टी एनिमल्स और इन्होंने लगभग पचास एनिमल्स का डाइसेक्शन किया यानी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी और ऑन दिज करेक्टर्स के बेसिस पर यानी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया डाइसेक्शन किया 50 स्पीशीज का 540 स्पीशीज को क्लासिफाई किया इसके बेसिस पर इनको फादर ऑफ़ बायोलॉजी बोला गया नेक्स्ट है अनदर साइंटिस्ट थ्री ओ फर्स्ट रोट ए सीरीज ऑफ बुक्स ऑन बॉटनी इन्होंने एक सीरीज लिखी यानी बहुत सारी बुक्स लिखी सीरीज यानी कंटिन्यूस बुक्स लिखी हैं किसके ऊपर ऑन बॉटनी यानी प्लांट स्पीसीज़ के ऊपर जैसे नेम है एक इनकी बुक है इंक्वायरी इंटू प्लांट्स एंड द काजेज ऑफ प्लांट्स इंक्वायरी इंटू द प्लाट एंड कॉजेज ऑफ प्लांट ये इनकी एक बुक थी ऐसे इन्होंने बहुत सारी सीरीज लिखी थी थ्री ओ फर्स्ट प्रजेंटेड द लिस्ट ऑफ फोर एटी प्लांट्स इन्होंने अप्रॉक्सीमेट चार सौ अस्सी प्लान्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया एक लिस्ट दी थी थ्री ओफर्स्ट क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट इन्होंने प्लांट्स को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया याबिटाट से मतलब है जिस एरिया के अंदर वो एनिम प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट स्पीसीज फाइंड आउट होती हैं उन एरियाज़ के बेसिस पर यानी उनके सर्वाइवल हैबिटाट यानी जिस एरिया के अंदर ये रह रहे हैं उस एरिया की स्टडी करके प्लांट को क्लासीफाई किया ठंडे एरिया के अंदर रह रहे हैं गर्म के अंदर रह रहे हैं ज़्यादा पानी वाले के अंदर रह रहे हैं डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं उस बेसिस पर और इन्हीं कैरेक्टरसिटिक्स के बेसिस पर जो प्लांट स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया था तो इनको फादर ऑफ़ बॉटनी बोल सकते हैं थ्री इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ बॉटनी फिर इनके बाद में इन 1673 सेवेंटी वॉन लिव इन हॉक इन्होंने एक और इन्वेंशन किया <coughs> साइंस के फील्ड में मेड ए माइक्रोस्कोप इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का मा फॉर्मेशन किया दैट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था इन 1673 ने उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में हेल्प मिला था क्योंकि माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है माइन्यूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में हेल्प करते हैं ठीक है लाइक्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर दिस स्टडी साइंटिस्ट स्वीडिश कैरोलस लीनियस सेवनटीन जीरो सेवन टू सेवनटीन जीरो सेवनटीन एट ऑरिजिनल ने यानी इनके माइक्रोस्कोप इन्वेंशन के बाद में कैरोलस लीनियस ने जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ रिसर्च की इनका ओरिजिनल नेम था कॉल वॉन कैरोलस लीनियन का ओरिजिनल नेम था कॉल वॉन लिने। बुक रिटर्न बाय कॉल वॉन लिने और लिनियस ने बुक लिखी थी बेसिक टेक्सटोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड बेसिक टेक्सोनॉमी यानी बेस के बारे में टेक्सोनॉमी कैसे अरेंजमेंट है ठीक है इन्वायरमेंटल फॉर्मेशन में ऑर्गेनिजम्स का उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी बुक जिनेरा प्लेट प्लेटिन प्लेटरम एंड स्पीसीज प्लेटरम इन 1753 और इसी के साथ में इन्होंने ये बुक भी लिखी जेनेरा प्लेटरम और स्पीसीज प्लेटरम इन 1753 फिफ्टी थ्री लीनियस डिस्क्राइब्ड अबाउट ट्वेल्व हंड्रेड स्पीसीज इन्होंने लगभग ट्वेल्व थाउजेंड स्पीसीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें लगभग अबाउट सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्पीसीज ऑफ़ प्लांट्स एंड फोर थर्टी स्पीसीज ऑफ़ एनिमल्स जिसमें लगभग साढ़े सात सौ uh, सात हज़ार सात सौ के लगभग प्लांट एनिमल स्पीसीज़ की एंड फोर थर्टी चार सौ तीस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज के डिस्क्रिप्शन दिए थे और इन सभी एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के बेसिस पर या कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोला जाए तो लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी ठीक है इन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियस इन बायोलॉजी बायोलॉजी में लीनियस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया यानी इन्होंने ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक यूनिवर्सल नेम रखा जिसको बायोनोमियल नॉमन सिस् नॉमन क्लेचर सिस्टम बोलते हैं जो आज मॉडर्न जनरेशन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको जैसे ह्यूमन बींग्स ही बोला जाता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम था जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए ये इन्होंने एक स्पेसिफिक करैक्टर बताया फिर है दूसरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन्होंने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का यानी प्लांट्स जैसे बात कर रहे हैं कि किडमस के अंदर मेल गेमेटोफाइट है फीमेल गेमेटोफाइट है एंड्रोशियम या गाइनोशियम है या दोनों एक ही फ्लोवर के अंदर हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं मोनोसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल बाई सेक्सुअल है इन सभी कंडीशन के बेसिस पर प्लांट की सेक्सुअलिटी को डिफाइन किया तो ये इनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था और इन इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इनको मॉडर्न टेक्सोनोमी के फादर बोला जाता है इन 1839 ए जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान गेव ए आइडिया अबाउट सम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट दो अठारह के अंदर स्वीड जर्मन साइंटिस्ट हुए स्लाइडेन एंड स्वान इन्होंने भी बायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया ये दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट से जैसे आफ्टर द स्टडी ऑफ़ सेल और इस जब इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इस टाइम पीरियड पर पीरियड से पहले लिवेन होक ने माइक्रोस्कोप बना दिया था और सेल की स्टडी भी हो चुकी थी सेल इज़ द और से लाइड वाल ने जो सेल माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन के वजह से सेल की स्टडी की उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल एस्पेक्ट दिए थे सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट Each, each cell possesses all द characteristics associated विद द organism एंड न्यू सेल्स arise फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल division. इन्होंने एक स्पेसिफिक करेक्टर बताया सेल से कि कोई भी पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल है उसकी फंडामेंटल यूनिट लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी जिसको हम लोग सेल बोल सकते हैं इन्होंने बताया माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद में ईच सेल पॉजिज ऑल द करेक्टरसिटिक्स एसोसिएटेड विन एन ऑर्गेनिज्म सेल पॉजिस किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर वो सारे करेक्टरसिटिक्स एसोसिएट रहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने चाहिए एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और कोई नई सेल्स बनती है उसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं ये कुछ एस्पेक्ट दिए थे इन्होंने सेल के स्टडी करने के बाद में स्लाइड एंड स्वान ने जो मॉडर्नली आज हम लोग इनको किस नाम से पढ़ते हैं इन थ्री करेक्टर करेक्टर्स को जो स्लाइड एंड थे दिस इज द मॉडर्न थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी एक मॉडर्न सेल थ्योरी फिर है, इसके बाद में है जेबी लेमार्क गेव सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट बायोलॉजी इन्होंने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट दिए थे दैट इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी कि मतलब हजारों लाखों सालों पहले एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करेक्टरिस्टिक्स थे और मॉडर्न जनरेशन में वो कैसे डिफर हैं किस वजह से डिफर हुए हैं दैट इज़ द काइंड ऑफ इवोल्यूशन स्लो चेंजेस की स्टडी थ्योरी भी दी इन्होंने द थ्योरी इज गिवन बाय लेमार्क इज द कोहैसन एवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नेम है कोहैसन एवोल्यूशन थ्योरी इसको आगे स्टडी करेंगे हम लोग <coughs> फिर है ग्रीगर जॉन मेंडल इन एटीन सिक्सटी फाइव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज वाइडली एक्सपेक्ट एक्सेप्टेड वेन मेंडल गेव हिज एक्सपेरिमेंट जो प्रिवियस स्टडी थी इवोल्यूशन थ्योरी कोहैसन की उसको और ज़्यादा uh, एक्सेप्ट किया जाने लगा साइंटिस्ट से जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे पी प्लांट के ऊपर और इन्होंने भी जैसे जेनेटिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बताया फिर एक और साइंटिस्ट है 1550, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री इसके बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये दो साइंटिस्ट और हुए इन्होंने भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए बायोलॉजी में फॉरवर्ड द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इन्होंने जो मेंडल मैंडल जिनने जो एक्सपेरिमेंट लो दिए थे उन्हें कोई आगे और डिस्क्राइब किया उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और भी एक्सपेक्ट एक्सेप्टेड uh, के बारे में फॉर्मेशन बताया इन्होंने डीएनए एन के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन किया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है <coughs> फिर है 1960 द साइंटिस्ट रॉबर्ट वुड वर्ड एक साइंटिस्ट हुए 1960 में रॉबर्ट वुड वर्ल्ड सिंथेसाइज क्लोरोफिल इन विट्रो इन्होंने क्लोरोफिल वैसे नेचुरली डेवलप होते प्लांट बॉडी के अंदर ठीक है इन्होंने इन विट्रो यानी लैब कंडीशन के अंदर क्लोरोफिल बना दिया है ग्रीन की पिगमेंट का फॉर्मेशन कर दिया इसके बाद में नाइनटीन सिक्सटी सेवन फॉर्मेशन किया ट्रांसप्लांट किया न्यूक्लियस को प्रिपेड ए क्लोन ऑफ फ्रॉग और ट्रांसप्लांट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट के ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू इन्होंने एक क्लोन बनाया किसका फ्रोक का द फर्स्ट क्लोन ऑफ वर्टिब्रेट और इनके द्वारा जो फ्रॉग का जो क्लोन बनाया गया था वो फर्स्ट वर्टिब्रेट था ये कुछ वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे जो हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जैसे इसमें अपना एरिस्टोटल हो गए फादर ऑफ बायोलॉजी थ्रियो फर्स्ट हो गए फादर ऑफ बॉटनी ठीक है लिविन हॉक जिन्होंने माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन की है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नो टेक्सोनोमी लीनियस हो गए स्लाइड स्वान सेल थ्योरी दी थी लेमार्क <coughs> ने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी मैंडल ने जेनेटिक्स का फादर भी बोल सकते हैं जेनेटिक्स के लो दिए थे फ्रांसिस क्रिक ने मैंडल्स के लो को फॉरवर्ड किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इसके अलावा रॉबर्ट वुडवर्ड ने आर्टिफिशियल क्लोरोफिल यानी लैब के अंदर क्लोरोफिल बना दिया और इयान गार्डन ने फर्स्ट क्लोन बनाया था जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है ये कुछ वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हम लोग अभी भी पढ़ते आ रहे हैं ये कुछ बेसिक कंट्रीब्यूशन थे बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की <coughs> इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में एंशंट यानी हमारे पुराने प्राचीन इतिहास में भारत देश के अंदर देखें कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं गुरु हुए हैं आयुर्वेदाज के अंदर स्टडी करने वाले उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बताए थे किस किस चीज जी के बारे में थ्योरी दी थी उनसे रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे यानी बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया <coughs> प्राचीन भारत के अंदर जीव विज्ञान का महत्व है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे थैंक यू